हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आप लोगों ने जेट प्लांट की कटिंग लगाई है और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो इस टाइम पे एक काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस गर्मी के टाइम पे, जैसे कि आपको पता है मई का मंथ चल रहा है, गर्मी जोरों शोरों से है, तो इस टाइम पे हमारे जो जेट प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। साथ साथ में हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं ताकि हमारा जेट प्लांट जो है दोस्तों अच्छे से ग्रोथ करे डबल तरीके से, और इनकी जो पत्तियाँ हैं चमकदार बने, मोटी बने, थोड़ी सी बड़ी भी आए। तो अभी देख सकते हैं ये सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हैं, कुछ तो मैंने बोनसाई भी बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी है। तो आज इनके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें, टिप्स, जो कि हमारे गार्डन में जेट प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और इनकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह देना, क्या देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जो कि जेट प्लांट को अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है दुगनी तेज़ी से। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कुछ दिन पहले ही इनकी कटिंग लगाई थी, बोनसाई बनाई थी, वो देखिए अभी किस तरीके से इनकी टहनियाँ बढ़ रही हैं। इधर भी देख सकते हैं हमारा बोनसाई है, इधर भी है। तो चलिए बताते हैं कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो इनको देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके का फर्टिलाइज़र लिया है, देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, एक चम्मच है। और ये हमारे किचन में बिल्कुल फ्री मिल जाता है, जो कि हम लोग रोज़ दिन भर यूज़ करते रहते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये है हमारा ग्रीन टी, जो ग्रीन लीव्स आती है ना, ग्रीन टी, आप लोगों को पता है ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। ये शरीर में हमारे जाके हमारे जितने भी शरीर ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको डिटॉक्स करके शरीर से बाहर करती हैं, तो वही चीज़ें इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे प्लांट को देते हैं, शरीर में भी देते, साथ साथ में प्लांट को भी अब देंगे। तो किस तरीके से यूज करना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें ले लेना है एक गिलास पानी, उसमें इनको आप चाहें तो दोस्तों बॉयल भी करके दे सकते हैं, बट मैं इनको डायरेक्ट ऐसे ही दे रही हूँ पानी में सोख करके। इन्हें सूखा हुआ दे सकते हैं ऐसे, प्लस आप इनको क्या कहते हैं पानी में भिगो के भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया हुआ है दोस्तों, तो इनको मैं इसी में इस तरीके से डाल दूँगी, और ज़्यादा देर और नहीं, बस 5 या 6 मिनट तक इनको इस तरीके से भीगे रहने देना है। उसके बाद इसमें दोस्तों खुद ब खुद कलर दिखने लगेगा, और बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है। आप लोगों को पता है इसमें कैसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि प्लांट में जाके आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें हम डालते हैं, इसमें कलर दोस्तों देख सकते हो छोड़ने लगे हैं। तो इनको हम कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए जो कि इसमें होते हैं। तो इनको हम रख देते हैं, इनको पत्तियाँ खुद ब खुद नीचे दोस्तों ये बैठ जाएंगी। तो चलिए हम बताते हैं प्लांट की पहली केयर टिप्स। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही दोस्तों, तो क्या होता है कि प्लांट को हमें थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखने के बजाय इनको ऐसे पार्शियल धूप में रखें, जैसे कि सुबह की मॉर्निंग की धूप मिल जाती है ना, वही बहुत होती है। तो इनको अगर पार्शियल वाली धूप मिलेगी तो बहुत अच्छे से ये चलेंगे। और कटिंग दोस्तों मैंने ये सारे प्लांट्स कटिंग से तैयार किए हैं, इधर भी मैंने ये कटिंग से तैयार किए हैं, देखिए इस तरीके से मैंने कुछ दिन पहले कटिंग निकाल के दिखाई थी ना उसे की है, देखिए जड़ें कितनी अच्छे से आई हुई हैं। तो इनको भी हम लगा देते हैं अच्छे से ताकि ये लग जाए। तो इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है वो दोस्तों, देख सकते हैं पत्तियाँ इनकी सारी की सारी कितनी बड़ी बड़ी सी होती जा रही हैं, और इतनी सॉफ्ट मोटी भी इनकी लीव्स होती जा रही हैं। रीज़न दोस्तों यही है, गर्मी में थोड़ी सी हमें केयर करनी रहती है, और क्या कहते हैं पानी बराबर हमें देना है। ओवर वाटरिंग जहाँ होगा दोस्तों, पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगेंगे, तो पानी का विशेष ध्यान दीजिएगा, तो ये अच्छे से चलेंगे आपका जो जेट प्लांट है। साथ साथ में दोस्तों इन्हें हम धूप दिखाते हैं, अगर इनको बता दूं दोस्तों कि ये इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर ही प्लांट है इनको, ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटे की गर्मियों की अगर धूप मिल जाती ना तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इनको गर्मी की धूप ज़रूर दिखाइएगा, वो भी सुबह वाली ना चल जाएगी। बाकी आपका जो प्लांट है बहुत ही ये हार्डी प्लांट होते, छोटी से छोटी कटिंग इनकी लग जाती है। तो और मैं बताऊं दोस्तों, इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम चाहें तो जैसे कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो चाय पत्ती से सूखी हुई चाय पत्ती में दिखा दो, इस तरीके से सूखी हुई चाय पत्ती भी इनको हम दे सकते हैं। इसमें मैंने ग्रीन लीव्स यूज़ हुई, जो ग्रीन लीव्स है वो है दे सकते हैं।
और ये ग्रीन जो टी होती वो भी है। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, पर जो मैंने ग्रीन टी का स्पेशल बनाया हुआ वो चीज़ मैं देने वाली हूँ। ये चीज़ आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार दे देंगे तो आपका जो प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा, दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रोथ देख सकते हो आप लोग। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन प्लांट्स को, ये थोड़ा मेरे पास है दोस्तों एक दो साल हो गया, बट ये भी एक दो साल हो गया। और ये तो अभी मैंने कटिंग लगाई थी, देख सकते हो कितने अच्छे से चल रहा है। तो इसी तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। गुड़ाई भी दोस्तों टाइम टाइम से करते रहना है। अगर आपके गमले की ज़्यादा मिट्टी सूख रही है तो इस तरीके से आप स्टोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे से भी ग्रोथ हो रही है, अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से आपके प्लांट की जो मिट्टी भी होगी सूखेगी नहीं, प्लस नमी भी रहेगी। बस नमी बना के रखिएगा, ज़्यादा इनको ऐसी जगह पे डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है दोस्तों, नहीं प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कटिंग ज़रूरत लगाना है तो एक छोटी सी कटिंग आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाई थी छोटी सी, इतनी छोटी सी भी कटिंग लेके इस तरीके से लगा देंगे ना तो आराम से लग जाती है। देखिए इस तरीके से ये कटिंग है, आप सॉइल में इस तरीके से दबा देंगे, बहुत आसानी से ये लग जाती है। तो इनको लगाना बहुत ही आसान है, पानी में भी लग जाती है। तो मैं दिखा दूँ दोस्तों, ये देखें दो या तीन मिनट के बाद इस तरीके से आ गया है हमारा जो फर्टिलाइज़र है। इनको जितनी देर रखेंगे उतने अच्छा कलर आएगा, बस थोड़ा सा ग्रीन हो गया है आप देख सकते हो। इन्हें हम किस तरीके से देंगे दोस्तों, लगभग जैसे कि हमारा छोटा छोटा प्लांट है तो इनको हम 10 से 20 ml करके इस तरीके से अपने पौधों को दे देंगे। तो देने का जो टाइम दोस्तों होता है वो बिल्कुल शाम का टाइम होना चाहिए, और पौधे में नमी भी होनी चाहिए आपके, ताकि ये अच्छे से असर करे। क्योंकि अभी आपको पता है धूप तेज हो रही है तो पौधों में नमी नहीं रहती है। तो देखिए इस तरीके से मैं हर एक पौधे को दे दूँगी, इधर भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी उसमें दे दूँगी। इस तरीके से लीव्स जो बची है ना उसको ऐसे डाल देंगे तो अपना काम कर देंगी, उसमें कंपोस्ट बन के इसे बहुत ही अच्छी ये फर्टिलाइज़र दोस्तों माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जेट प्लांट को ग्रीन टी भी पिला दिए हैं, इनका भी थोड़ा सा हेल्थ अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम लोग का तो हेल्थ अच्छा ही रहता है, साथ में प्लांट के भी हेल्थ चाहिए। और क्योंकि अगर ये हेल्दी रहेंगे तभी हमें ऑक्सीजन देंगे, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। तो हमें ये चीज़ें टाइम टाइम से दोस्तों कर लेनी चाहिए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। टाइम टाइम से हफ्ते भर में या 15 दिन में दोस्तों कुछ ना कुछ अपने प्लांट को हम ऑर्गेनिक चीज़ें अगर देते रहेंगे तो प्लांट बिल्कुल हरा भरा घना बना रहेगा, पत्तियाँ भी चमकदार भी बनेंगी, साथ साथ में उनकी ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से होती रहेगी। अगर प्लांट को घना बनाना है दोस्तों तो पिंचिंग करते जाइए, घने होते जाएंगे। अगर आपको वैसे ही अच्छे लगे लॉन्ग या लगी लगी तो फिर वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है ये प्लांट नहीं है, जेट प्लांट कोई भी हो दोस्तों सारे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।